दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच सभी का। और मैं आपके साथ शेयर करूंगी ककड़ा पीठा, और ककड़ालू भी से बोलते हैं, तो आप क्या नाम देते हो पता नहीं, पर हम लोग यही बोलते हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनते हैं, और ये गणेश पूजा के 56 भोग में भी ये काम आते हैं। जितने भी पूजा है आप उसमें बना सकते हो उसे, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है। इसके लिए आप नारियल लेंगे, और नारियल को तोड़ के इसका आप एक ग्रेटर के जो आपको दिखा रही हो ना, इस सांचे के साथ इसको आप कोर लेना है, नारियल कोर के साथ कोर लेना है। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप छोटे छोटे टुकड़े करके इसको आप मिक्सी में ददरा जैसा एक बना लेना है डो, तो जैसे इस तरह से बना लेना है। तो ये बन के रेडी है। अब चलिए बनाते हैं इसका स्टफिंग। कढ़ाई में आप नारियल डालेंगे, उसके बाद गुड़ डालेंगे, और गुड़ आप अपने स्वीट के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे कि आप कितने मीठे खाते हो। तो मैं तो जितना नारियल ली हूँ उससे थोड़ा सा कम गुड़ ली हूँ, और हमारे घर में थोड़े मीठे ज़्यादा खाते हैं। तो इसको आप लगातार चलाते रहिएगा जब तक आपके ये जो गुड़ है ना गल ना जाए। तो गुड़ गलते तक हमें लगातार चलाते रहना है, और ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है दोस्तों। तो गुड़ गल गई है, देखिए गुड़ गल के एक अच्छा सा बन गया है ये। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे, और इलायची पाउडर डाल के भी इसको मिक्स कर लेंगे। इसको इलायची पाउडर डाल दी हूँ, अब इसे मिक्स कर लूँगी। तो एक अच्छा सा स्टफिंग बन के रेडी हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी मैं। तो चलिए इसके आप डो बनाते हैं। डो के लिए आप एक गिलास आटा लेंगे, और आटा एक गिलास है तो अढ़ाई गिलास पानी लगेंगे, मतलब दो गिलास पानी और आधा गिलास। तो कढ़ाई में आप पानी डालेंगे, और इसको एक उबाल आने तक छोड़ देंगे। एक बॉयल आना ज़रूरी है। अब इसमें नमक डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। जब ये बॉयल आ जाए तब इसमें हम आटा डालेंगे। तो आप कोई भी पूजा में इसे बनाइए, चाहे आप कभी भी मन करे खाने का तो आप बना के खाइए। इसमें आटा डालेंगे चारों तरफ से फैला के। बॉयल होने के बाद ही डालिएगा आटा। अब आटा को डाल दी हूँ पानी ऊपर आने तक, इसे कुछ भी मत कीजिएगा। जब हल्का ऊपर आने लग जाए पानी तब इसको आप मिलाएंगे, और अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि इसकी गांठ ना बने। पूरे आटे अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए, गांठ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसको लगातार स्लो फ्लेम में चलाना है, आंच को जोर नहीं रखना है, स्लो ही रखना है। तो देखिए मिक्स हो रही है। इसमें थोड़ा सा हाथ में प्रेस जोर पड़ते हैं इसको मिलाने के लिए, थक जाओगे ज़्यादा बनाओगे तो चलाते चलाते। अब इसको स्मूथ थोड़ा और बनाने के लिए इसमें आप घी डालोगे ताकि ये आपके चिपके ना। इसमें घी डालेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनती है दोस्तों, और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो घर पे आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और एक बार ज़रूर ट्राई करके खाएं तो देखिएगा आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अब इसमें घी को गर्म कर दी हूँ और डाल रही हूँ। घी आप नहीं खाते हो तो तेल भी डाल सकते हो, पर घी से ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसको ढक के 2 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा पकने देंगे, ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए इसको हम ढक के पका लेंगे।
अब ये पक चुकी है। अब इसको आटा की तरह अच्छा से तेल लगा के पूरा सॉफ्ट डो बना लेना है। अभी मैंने इसको आटे जैसा सॉफ्ट डो बना ली हूँ। अब इसका स्टफिंग भरेंगे तेल के, तेल थोड़ा हाथ में लगा के इसको जैसे आलू परोठा बनाते हैं ना सेम ऐसी तरह से इसको भरना है। अब इसमें नारियल, इसके जो स्टफिंग बनाए हैं इसके अंदर भर के इसको बंद करेंगे चारों तरफ से। और बंद करते समय ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छी तरह से ये चिपकना चाहिए ताकि इसके अंदर जो स्टफिंग है निकल के बाहर ना आ जाए। तो देखिए इसी तरह से दोस्तों चिपका देना है पूरा, और इसके सारे पेड़े को इसी तरह से बनाना है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पेड़े, अच्छे से ऐसे बनाना है। दूसरे भी इसी तरह से बनाना है, दिखा देती हूँ और एक बार इसको भी इसी तरह से करना है। तेल लगा के ही करिएगा दोस्तों, या घी अब जिससे बनाते हैं उसी से, घी या तेल, पर ये घी से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और तलते समय तेल से अगर तलोगे तो ज़्यादा टेस्टी बनती है, और जब हाथ में लगाते हो चाहे स्टफिंग में डो बनाते हो तब घी यूज़ कीजिए, और पूजा अगर कर रहे हो तो घी से ही तलना पड़ेगा आपको। तो देखिए इसको चारों तरफ से इसी तरह से स्टफिंग को भर के और फोल्ड कर देंगे, चिपका देंगे, ताकि इसके जो अंदर के मसाले बाहर ना निकले। अगर आपके मसाले बाहर निकल जाते हैं तो आपके तेल भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसी तरह से चिपकाना है आपको चारों तरफ से, जैसे मैं चिपका रही हूँ। और फिर हल्के से हाथ से प्रेस करके इसको हल्का सा प्रेस कर देना है, एक शेप दे देना है बस। तो इसी तरह से सारे पेड़े को बना देंगे और तेल गरम करेंगे, और तेल जब गरम हो जाए तो उसको स्लो फ्लेम मीडियम में रख के, मीडियम आंच से भी थोड़ा कम रखेंगे, और इसको डाल के फ्राई करेंगे। धीरे धीरे डालना है। मैं तो हमेशा जो भी तलती हूँ लोहे की कढ़ाई में तलती हूँ, पूजा का भी और कुछ भी अगर तलने की चीज़ है तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही तलती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे कलर आ गए हैं दोस्तों, बढ़िया कलर आ गए हैं, देख रहे हैं ना। तो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो बेल आइकन के साथ प्रेस करें, और ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों खाएँ और बनाएँ और खिलाएँ। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।